हम बात कर रहे हैं SJVN की। आज के दिन की बात करें तो छोटी मोटी गिरावट के साथ हम देख सकते हैं फिलहाल स्टॉक जो है 119.35 यानी 119.35 रुपीज़ पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। बड़ी गिरावट के बाद 115 के लेवल से एक जंप आया था ऑलमोस्ट 124 तक का, रिजेक्शन लिया, गिरावट आई, अगेन बाउंस बैक किया, इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो अगर SJVN के चार्ट पैटर्न को हम देखें तो चार्ट पैटर्न हमसे यही कह रहा है दोस्तों कि जंप, जंप पर रिजेक्शन और रिजेक्शन पर लो ब्रेक डाउन, जंप, जंप पर रिजेक्शन, रिजेक्शन पर लो ब्रेक डाउन, लगातार गिरावट में स्टॉक। तो यहाँ से अब और गिरावट दिखा सकता है स्टॉक, अपने सपोर्ट को 120 के सपोर्ट को 118-120 का लेवल ब्रेक डाउन कर सकता है और इसी के चांस बन रहे जिस तरह से सेलिंग प्रेशर स्टॉक पर देखने के लिए मिल रहा है, सपोर्ट के ब्रेक डाउन के चांस बन रहे। अगर ब्रेक डाउन कर गया 118 का सपोर्ट, 118-120 का, तो नीचे की ओर इससे पहले जहां सपोर्ट आई 115 का लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है SJVN के लिए। इस सपोर्ट को फिर दोस्तों ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर ही सस्टेन होना पड़ेगा SJVN को। अगर इसको ब्रेक डाउन कर गया तो फिर एक गिरावट, ये लो और लो चार्ट पैटर्न कंटिन्यू होते नज़र आ सकता है। फिर नीचे की ओर 108 का लेवल और 100 तक का भी फिर फॉल ये दिखा सकता है। फिर 100 तक की गिरावट के लिए भी हमको SJVN में तैयार रहना है। लेकिन आप अगर स्टॉक यहाँ से रिकवरी दिखाता है, देख सकते हैं हम फिलहाल तो 118-120 के सपोर्ट पर स्टॉक हमको काम करता नज़र आ रहा है, ब्रेक डाउन नहीं करता, इसी सपोर्ट पर काम करके बाउंस बैक करता है। तो इससे पहले जहां से रिजेक्शन लिया था 124 का लेवल इमीडिएट टारगेट रहेगा, ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट 130 और इसके ब्रेकआउट के बाद मेजर जो रेजिस्टेंस फेस करेगा इस हाई पर करेगा 135-136 का लेवल। फिर एक तगड़ा रेजिस्टेंस रहने वाला है, इससे पहले भी हमने दो दफ़ा इसी लेवल से रिजेक्शन देखा है। तो जब तक SJVN बाउंस बैक के साथ इस हाई को ब्रेकआउट नहीं करता, 136 के ऊपर निकल नहीं जाता, तब तक यहाँ अपसाइड में बड़ा मोमेंटम नज़र आना मुश्किल है। तो इस बाउंस बैक के साथ 136 तक के SJVN टारगेट दिखा सकता है। अगर SJVN 136 के लेवल का ब्रेकआउट करके एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग भी देता जाता है तो फिर वैसी कंडीशन में यहाँ से बड़े धमाके करता हमको नज़र आ सकता है। वैसे वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, आपको कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दी जा रही। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।